हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले ईद मुबारक सबको, सबको सभी को ईद मुबारक। और आज मैंने सोचा कि मैं ईद के लुक शूट कर ही रही हूँ, तो चलो वॉइस ओवर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वॉइस वाली वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी लोग पूछ रहे थे छोटी वीडियो क्यों बनाती हूँ, उसकी वजह ये है कि लंबी वीडियो ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं, और छोटी वीडियो में मतलब ये होता है कि आपको मेन चीज़ नज़र आ जाती है, समझ रहे हैं आप। लेकिन मैं बड़ी वीडियो भी बनाना शुरू करूँगी। हेयर तो मैंने इस दफ़ा को सिंपल डिम्पल लुक रखनी थी, तो मैंने सिर्फ ब्लू कलर का लाइनर लगाया और उसके ऊपर ग्रे कलर लगाया शाइन वाला, और फिर मैंने लाइनर लगाया। और या मैंने बहुत ही सिंपल लुक रखी थी। आज मैंने जूड़ा बनाया था अपना खुद का खुद से, और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि मैं जूड़ा बनाती नहीं होती हूँ, लेकिन फिर मुझे थोड़ी बात देर बाद आदत हो गई थी। और मैंने अभी ड्रेस चेंज नहीं किया, तो हाँ ये नहीं समझ रहा कि यही ड्रेस है। उसके बाद मैंने सोचा कि आज ना एक बहुत बड़ी आईलैशेस लगाती हूँ, पर वो कैमरे में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, वैसे बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने पहले वो लगाई, इस पर ग्लू लगाई, मैंने वो ट्राई किया पर वो अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने चेंज करके नॉर्मल लगा ली। उसके बाद जी मैंने अपनी कंट्रोलिंग करनी स्टार्ट की, ब्लश लगाया, वो सारा कुछ किया। अच्छा, आज का मेकअप ना बीच में मैंने रिंग लाइट बंद कर दी थी क्योंकि वो पीछे से हिल गई थी, वैसे रिंग लाइट में ज़्यादा पता लगता है, ये देखिए। हाँ, तो जिन सा मेकअप मेरा हो गया था लाइट सा। फिर मैंने लिपस्टिक लगाई, और वो भी मैंने न्यूटी रखी थी क्योंकि मेरा बस ज़्यादा मेकअप करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं ज़्यादातर ज़्यादा भी मेकअप करती हूँ, और दूसरी बात कि मुझे टिकटॉक पर भी जाके फॉलो करें क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े बदले, और फिर मैंने कानों में कुछ पहना। वैसे मेरे सूट में ग्रे था पर मेरे पास ग्रे टॉप्स नहीं थे, तो मैंने गोल्डन पहन लिए। और मैंने रिंग पहनी अपनी मम्मा की, और वॉच पहनी, बस जो कुछ मेरे सूट के साथ मिल रहा था वो मैंने पहन लिया। तो बाय द वे मेरे कान ही छीते हुए, तो मैंने वो चुटकी वाले पहने थे, तो उसमें भी मैं ड्रामा कर रही हूँ कि हाय हाय चुभ रहे चुभ रहे, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। अच्छा, मैंने ये नथ पहने की, इसको नाक पे पहनने की कोशिश की थी पर मेरे नाक पे नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद जी एंड आया जी हमारे दुपट्टे के साथ, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दुपट्टा किस साइड पर रखूँ। तो मैं बस ये फिगर आउट कर रही थी कि मैं दुपट्टा किस साइड पर रखूँ। तो मेरे टिकटॉक की आई डी है स्वीट सतारा 3645, अगर मेरे से गलत हो गया होगा तो मैं बाहर लिख दूँगी या फिर बाद में लिख दूँगी, तो वहाँ पे भी जाके मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। वहाँ पे भी मैंने बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार सर पे भी दुपट्टा लेके दिखाई देते हैं अपनी ऑडियंस को। और जब मैंने सर पे दुपट्टा लिया तो जूड़े की वजह से अजीब सा लग रहा था, कोई मैं बुढ़ी माई लग रही थी, फिर है मैंने उतार दिया। तो यार दैट्स माई फाइनल लुक, एंड मैं जिन सा है ये शो ऑफ मारते हुए अपनी ग्लासेस के साथ करूँगी, तो ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। अल्लाह हाफिज़।